नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। इस कार्यक्रम में हम उन आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनसे होता है आपका सरोकार। नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है, सभी ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी शुरू कर दी होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि इससे हमें टैक्स में भी रियायत मिल सकती है। अभी जब फरवरी में अंतरिम बजट आया तो सरकार ने कई ऐसे प्रावधान किए जिससे 5 लाख रुपए सालाना से ऊपर की आमदनी वाले व्यक्तियों को भी टैक्स में रियायत मिल सकती है। ये रियायत कैसे मिले, इस रियायत का फायदा उठाने के लिए हमें कहाँ निवेश करना चाहिए, साथ ही नई कर प्रणाली के और क्या प्रावधान है, आज इन सब पर करेंगे हम चर्चा अर्थनीति में। तो आयकर के नए नियम क्या हैं, इनका फायदा किनको मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस सभी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दीपशिखा सिकरवार, जो द इकोनॉमिक टाइम्स में सीनियर एडिटर हैं, और साथ में हैं टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। स्वागत है आप दोनों का। सुनील जी, आपसे शुरुआत करते हैं। पहले 2.5 लाख और अब 5 लाख तक की आय पर टैक्स छूट, ठोस बदलाव कितने हैं, क्या हैं? ठीक है सुनील जी, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि स्लैब 2.5 लाख से 5 लाख नहीं किया गया, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। और दूसरी बात, जो ये 5 लाख की लिमिट वाली बात भी है, ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए लागू होगी, इसलिए कृपया जो रिटर्न हम फाइल करेंगे 31 जुलाई 2019 तक, उसमें ये नियम लागू नहीं होगा, पहली बात तो ये। लेकिन जो डिडक्शंस अभी नए साल के शुरू हो जाते हैं वो कम से कम बच जाएंगे? नहीं, वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए चेंज है, यानी असेसमेंट 20-21 के लिए। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे इस साल में 31 जुलाई तक, वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी 19-20 के लिए करेंगे, तो 2.5 लाख और 5 लाख का ये उसमें नहीं आएगा। और दूसरी बात, सरकार ने स्लैब को नहीं बढ़ाया है, सरकार ने खाली क्या किया है कि आपकी अगर टैक्सेबल लिमिट 5 लाख से कम आ रही है सारी डिडक्शंस के बाद में, तो आपको एक छूट दी है 12.5 हज़ार रुपये टैक्स की, इसलिए आपका टैक्स तो रिल हो जाएगा लेकिन स्लैब नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी इनकम ज़्यादा है, यानी जो 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे थे या 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे थे, उनको टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है। तो जो टैक्स देना था वो तो पिछले साल का दे चुके हैं, लेकिन अगर हम अंतरिम बजट की बात करें और जिस तरह के बदलाव हुए हैं, तो अगर ये 5 लाख तक की आय पर ही छूट की बात है तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा और किस क्लास को ज़्यादा फ़ायदा होगा? तो जो नंबर इसके बारे में कहा गया है वो 3 करोड़ के लगभग लोगों का कहा गया है। बट जैसा कि मिस्टर गर्ग ने बताया कि इसमें एक तरह का जो कन्फ्यूजन है, सबको लगता है कि 5 लाख तक का एग्जेम्पशन हो गया है, वो नहीं है। आपकी आय अगर 5 लाख से अधिक है तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब लोगों में ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए। तो जिनकी आय उसके नीचे उस ब्रैकेट के विदिन आ रही है तो उन्होंने इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इस साल से नहीं, ऑब्वियसली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही लेंगे। तो मतलब एक कन्वीनियंस वाली बात है कि जिनकी कम आय है, जिनकी है, उनको आप छोड़ रहे हैं, आप उस पे इतना ही टैक्स लगा रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को फायदा हो रहा है। मिडिल क्लास नहीं, पेंशनर्स ज्यादा, ओल्ड एज सीनियर सिटीजंस, उस कैटेगरी को ज्यादा फायदा। तो गर्ग साहब, विस्तार से बताइए कि अगर किसी की 10 लाख इनकम है तो क्या बदलाव होते हैं, अगर 6.5 लाख इनकम है तो क्या बदलाव होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम है कि 5 लाख रुपए अगर आपकी आज इनकम है तो आपको टैक्स लगता है 12.5 हज़ार रुपये। सरकार ने क्या किया कि 12.5 हज़ार रुपये की टैक्स पर छूट बढ़ा दी है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि आपकी टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से कम आ जाती है तो आपको टैक्स बनेगा 12.5 हज़ार रुपये और वो आपको टैक्स पर छूट दे दी। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख रुपये है, तो लोग पूछते हैं क्या मैं पूरा टैक्स बचा सकता हूँ? बचा सकते हैं आप। कैसे बचा सकते हैं? 5 लाख तक हमें पहुँचना है, 5 लाख के बाद आपको 1.5 लाख रुपये ATC में छूट ले लीजिए, 50 हज़ार रुपये NPS में ले लीजिए, 7 लाख रुपये हो गया, 2 लाख रुपये हाउस रेंट जो आपने अगर होम लोन ले रखा है 9 लाख रुपये हो गया, 25 हज़ार रुपये आपको मेडिक्लेम की छूट मिलती है, 9 लाख 25 हज़ार रुपये हो गया, और 50 हज़ार रुपये अगर आप पेरेंट्स को साथ उनके लिए मेडिक्लेम करवाते हैं 9 लाख 75 हज़ार रुपये हो गया। उसके अलावा आप छोटी छोटी छूटें और भी ले सकते हैं। इसका मतलब 9 लाख 75 हज़ार रुपये में से आपने 4 लाख 75 हज़ार की छूट ली तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हुई? 5 लाख रुपये। 5 लाख पर टैक्स कितना बना? 12.5 हज़ार रुपये, और 12.5 हज़ार रुपये आपको छूट दे दी। तो इसलिए कहा गया कि 5 लाख रुपये की इनकम पर आपको कोई टैक्स
नहीं लगेगा, लेकिन वो टैक्सेबल इनकम है, वो टोटल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये 87A की आप बात कर रहे हैं? 87A का अभी जो प्रेजेंट प्रोविजन है, अभी क्या है कि अगर आपको 3.5 लाख रुपए की इनकम है तो आपको टैक्स बनता है 5,000 रुपए और छूट मिलती है 2,500 रुपए। ठीक है जी, सरकार ने क्या किया 87A में ही बड़ा चतुराई का बदलाव किया, ये बड़ा क्लेवर स्टेप है कि आपकी जो 3.5 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया और जो टैक्स 2,500 था उसको बढ़ा के 12,500 रुपये कर दिया। अगर सरकार स्लैब को बढ़ा देती तो सोनिया क्या होता कि जिसकी इनकम 1 करोड़ रुपये भी है उसको भी 13,000 रुपये का फायदा हो जाता। सरकार उनको फायदा नहीं देना चाहती थी, फायदा देना चाहती थी उन लोगों को जो पेंशनर है या जो लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं 5 लाख तक की, जब 50,000 रुपये की सैलरी का जो आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसको बेनिफिट देना चाहती थी और सरकार ने सही स्टेप उठाया। स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर बात करें तो वो 40,000 से 50,000 हुआ है, इसमें कोई कितना बचा पाएगा? देखिए ये बहुत पुरानी डिमांड थी एम्प्लॉयज की, पहले हमारे यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन था, 2005-06 के बजट में इसको खत्म कर दिया था। तो एम्प्लॉयज कहते थे कि आप जो बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसको तो आप सारे खर्चे देते हैं, वो अपनी गाड़ी जाता है या टेलीफोन इस्तेमाल करता है तो उसको आप खर्चे अलाउ करते हैं ना, तो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के खर्चे हैं ऑफकोर्स होते हैं, उसको तो आप कुछ भी नहीं देते। तो सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया था, पहले पिछले फाइनेंस एक्ट में किया था, 40,000 रुपये की छूट दी थी और अब उसको बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया। ऑटोमेटिकली 50,000 रुपये का मतलब है कि अगर जो 30% के स्लैब में भी आता है, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इसका फायदा हर एम्प्लॉय को मिलेगा, चाहे आप 50 लाख के स्लैब में चाहे आप 1 करोड़ के स्लैब में। तो इसका मतलब है कि 30% के स्लैब में तो 15,600 रुपये का आपको मोटा मोटा फायदा सबको इससे होगा। और जो नया ITR फॉर्म भी है उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉलम अलग से ऐड हो गया है। बेसिकली सी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है वो ये कि वो सुविधाएं बहुत दे रहा है जितने करदाता हैं उन लोगों को, लेकिन उसके साथ वो क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस को थोड़ा टाइटन कर रहा है। और वो ये कर रहा है कि जितनी इन्फॉर्मेशन वो बटोर सकता है करदाताओं से खुद से, और इन आयकर के जो नए फॉर्म आए, रिटर्न फॉर्म आए हैं, इनको अगर आप देखें तो जिस तरह का इन्फॉर्मेशन और जिस तरह का डेटा करदाताओं से मांगा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि फॉर्म को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन उनको ये मैंडेटरी कर दिया गया कि आप ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंटली अपना डेटा, अपनी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ शेयर करें। जिसे डिपार्टमेंट जो है फिर नॉन इंट्रूसिव तरीके से बिना आयकर विभाग के अफसर के घर, उनके घर जाए या उस इंडिविजुअल करदाता के उनके दफ्तर आए, वो अपने सिस्टम में इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि कितना वो सही टैक्स दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है। तो ये सारे जो बदलाव आए हैं आयकर रिटर्न फॉर्म्स में, ये इस तरफ ही दर्शाते हैं कि डिपार्टमेंट का फोकस जो है पूरी तौर पे आईटी और सिस्टम जनरेटेड होता जा रहा है। सो आईटीआर के नए फॉर्म्स जो हैं 1 या 2, उसमें भी कुछ चेंजेस हैं? 1 में चेंज ये है कि उसमें अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको उससे आप ITR 1 इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस आयकर विभाग लेकर आया है इन ITRs में। ITRs की और बात करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज़, इस पर जो नोशनल रेंट था उस पर लंबे समय से मांग चल रही थी कि इसे हटाया जाए, तो यहाँ पर भी फ़ायदा होगा लोगों को? बहुत बड़ा फ़ायदा दिया है सरकार ने, ये बहुत पुरानी डिमांड थी। अभी तक क्या हो रहा था, सेक्शन 22 में एक धारा है हमारे, सेक्शन 22 में 22-23, उसमें ये कहा गया कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो एक को तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लीजिए और दूसरी प्रॉपर्टी पे आप नॉशनल रेंट निकाल लीजिए, यानी उस इलाके में उस फ्लैट का जो भी एक नॉशनल रेंट है, जो भी दूसरा फ्लैट फैच कर रहा है, उस पर आप टैक्स दे दीजिए। ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को आती है जिनके पास एक मकान अपना रेंटल हाउस था और वो दूसरे शहर में आ गए, एक मकान और ले लिया उन्होंने, एक फ्लैट ले लिया, तो एक की आपको इनकम को टैक्सेबल करना पड़ता था, तो मिडिल क्लास फैमिलीज पे ये बोझ था। सरकार ने इस बात को भी, हमारी बात को सुना और माना, अब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो आपको नियम लग जाएगा, 2 से ज़्यादा में अगर 3 है तो आपको 1 पर टैक्स देना है, 2 पे नहीं देना, 2 के लिए छूट दे दी है और फिर आपको वहाँ तक आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लीजिए उसको। तो इवन रेंट की अगर बात करें तो रेंटल इनकम पर TDS लिमिट अब बदल गई है, 2.4 लाख हो गई है, इसके लिए बहुत लोग अवेयर भी नहीं थे। नहीं, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन है सोनिया। देखिए जो अभी तक लिमिट है, सेक्शन 2 है, 194I और 194IB। 194I लगता है जो बिजनेसमैन आप
का अगर कोई ऑफिस आपसे लेता है या रेंट लेता है जिसका टैक्स ऑडिट होता है, अगर उस वो रेंट दे रहा है आपको जिसका टैक्स ऑडिट हो रहा है, अगर वो व्यापारी है, तो आपको जो लिमिट थी वो 1,80,000 रुपये यानी 15,000 रुपये महीना थी। तो ये बात उठी थी कि जब 2,50,000 तक आप मिनिमम लिमिट्स है आपकी, तो आप 15,000 रुपये कम है तो उसको सरकार ने बढ़ाकर 20,000 कर दिया। ये चेंज किया 194i में, यानी अब 2,40,000 रुपये ज़्यादा आपको रेंट आएगा तो TDS काटना है। लेकिन 194IB जो सेक्शन है वो है अगर कोई इंडिविजुअल कोई एम्प्लॉई आपसे मकान किराए पे लेता है उसकी लिमिट 50,000 रुपये महीना है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों अलग अलग सेक्शन है। फॉर्म्स पर अगर दोबारा लौटें तो NRIs के लिए भी कुछ टाइटन किया है क्या? NRIs नॉट एग्जैक्टली NRIs जो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स होते हैं, रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट्स, तो उनके लिए या जो एक्सपैट्स नॉन रेजिडेंट्स आते हैं यहाँ पर काम करने, वो कुछ समय ही रहते हैं, वो अपना आयकर यहाँ नहीं देते हैं, अपने देश में देते हैं जहाँ के वो रेजिडेंट हैं। तो उन लोगों के लिए अब उनको नए फॉर्म्स में कि वो यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि वो टैक्स नहीं देंगे, तो जिस देश में वो टैक्स दे रहे हैं वहाँ का, जैसे हमारा पैन है वहाँ का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो उनको देना है, TRC टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट, हाँ उसके अलावा TRC देना है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के अलावा वो डिस्क्लोज करना है। अब हो क्या रहा है, चूँकि हमारी इंफॉर्मेशन बाहरी देशों से भी ट्रीटीज़ हमारे और ग्लोबल एक्सचेंज के द्वारा हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है, तो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स, ये सरकार के लिए एक कन्वीनियंस वाला है कि आप यहाँ पे नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, आप टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर से वो चेक कर पाएंगे कि आपने उस देश में दिया है कि नहीं दिया है, पता चला कि आप दोनों देशों में नहीं दे रहे हैं तो वो चीज़ ख़त्म होगी। दूसरा चीज़ है कि आपका जो रेजिडेंसी है उसमें पहले था कि आप डिक्लेयर कर देते थे रेजिडेंसी, अब आपको देना है आप कितने दिन यहाँ रह रहे हैं उसका प्रूफ। और दूसरा, आजकल जिस तरह का सिस्टम्स है, अगर आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन अथॉरिटी, आपका इमिग्रेशन का पूरा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, ऑनलाइन है आजकल, तो एक कदम ये उसकी तरफ है कि अब आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं इस रिटर्न फॉर्म में कि आप इतने दिन रहे, आपने आप यहाँ पर भी अगर टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करें तो उनके पास इमिग्रेशन डेटा से वो निकाल लेंगे कि आप कब आए कब गए और आपने कितने दिन यहाँ आप रुके, तो आपका टैक्स यहाँ बनता है कि नहीं बनता है, आपकी रेजिडेंसी यहाँ पर बनती है या नहीं बनती है। स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ चेंजेस हैं क्या ITR में? स्टार्टअप्स के लिए भी, चूंकि अगर हमने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में इसकी काफ़ी बातचीत हो रही थी एंजल टैक्स को लेकर के, सरकार ने बहुत बदलाव किया उसमें और रिलीफ दिया जो एंजल फंडिंग प्रोवाइड करते थे उन लोगों को, तो अब उसके लिए एक मैकेनिज्म जो DPIIT है वहाँ पर और CBDT ने बनाया है, उसके तहत उन लोगों को एक सर्टिफिकेट, एक क्लियरेंस मिल जाता है वहाँ से रिकग्निशन का कि वो स्टार्टअप हैं। तो अब फॉर्म में उसको और सहज करने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं वो इस तरह का एक कॉलम बना दिया गया है कि वो अपना जो रिकग्निशन सर्टिफिकेट है वो अटैच कर सकते हैं और जो नंबर वहाँ से उनको मिलेगा वो लिख सकते हैं, ताकि फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डिटेल रहेगी कि आप ऑलरेडी रिकग्नाइज स्टार्टअप हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ महीने में ये था कि उनको नोटिसेज इशू हो गए थे तो काफ़ी इसको लेकर थोड़ा सा हाई तौबा मची थी कि स्टार्टअप्स को सरकार इनकरेज नहीं कर रही है और इस तरह का माहौल बना, तो ये सुविधा के लिए उनके लिए डैमेज कंट्रोल फिर किया गया था। चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि 24 घंटे में रिफंड, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, इस पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक अप्रैल से इनकम टैक्स में हो रहे बदलावों पर कर रहे हैं हम चर्चा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो जाहिर है इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो गर्ग साहब, जैसे कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन की अगर बात की जाए तो अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकती है तो इसमें कितना किसको फायदा होगा, लिमिट है? देखिए अभी तक कैपिटल गेन के नियम क्या है,
अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपये की बेची तो आपकी जो कॉस्ट है इंडेक्स उसको कर लेते हैं हम, और इंडेक्स का सिस्टम किया है कि 2001 को हमने बेस ईयर मान लिया, उसका 100 हमने मान लिया उसको, और अब 2019 में 280 यानी 2.8 से आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिफरेंस पे आप टैक्स दे दीजिए। बदलाव क्या किया सरकार ने, जब हम कोई कैपिटल गेन बेचते हैं, अगर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी आपने बेची और 2 साल तक आपने उसको होल्ड किया है 24 मंथ्स तक, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते थे। और अगर आप उसके बदले एक दूसरा मकान ले लेते हैं तो आपको छूट मिल जाती थी। समस्या कहाँ पर आई, सेक्शन 54 जो छूट देता है उसमें पहले लिखा हुआ था ए रेजिडेंशियल हाउस। अब ए का मतलब क्या है, नंबर 1, 2, 3 और एनी। तो कोर्ट ने जो इसको इंटरप्रिटेशन किया उसने कहा ए मींस एनी, इट इज नॉट सिंगुलर, इट इज नॉट प्लूरल। तो अरुण जेटली साहब ने फाइनेंस एक्ट 16 में बदलाव किया, उन्होंने ए को 1 कर दिया। तो लोगों ने कहा यार ये तो दिस इज नॉट फेयर गेम। अब मान लो किसी फादर के 2 बच्चे हैं, उसने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेची और दोनों बच्चों के लिए वो फ्लैट लेना चाहता है, तो कैपिटल गेन की छूट आपको एक में मिलेगी। तो सरकार ने इस बदलाव को फिर एक रिलीफ दिया है कि अब आप एक के बदले 2 मकान तक ले सकते हैं और आपको छूट मिलेगी। लेकिन पहली बात तो ये वन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप जिंदगी में इसका फायदा एक बार उठा सकते हैं। और दूसरा, आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 करोड़ रुपए सख्त होना चाहिए, अगर वहां तक है तो छूट है, अदरवाइज आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आपको एक के बदले एक ही लेना है। TDS ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स ये भी बढ़ गया है, इससे पेंशनर्स को बहुत फायदा होगा, पेंशनर्स को और हाउसवाइफ को बहुत फायदा होगा। जैसे वित्त मंत्री जी ने भी कहा था, देखिए ये नियम कोई महिलाओं के लिए स्पेशल नियम नहीं है, लेकिन महिलाओं को फायदा इसलिए होगा क्योंकि हाउसवाइफ जनरली पैसा बैंक में रखती हैं, FD में रखती हैं अपनी सेविंग्स को, और उसको ब्याज जो मिलता है। तो अभी तक नियम ये था कि 194A में 10,000 रुपये पे आपको TDS कट जाता, 10,000 रुपये अगर ब्याज है, तो सरकार ने उसको 10,000 से बढ़ा के 40,000 कर दिया है। वेरी गुड स्टेप। आपसे हम फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब अंतरिम बजट आया था तो बोला गया था कि ऑनलाइन रिटर्न्स, ऑनलाइन रिफंड्स, नई तकनीक के बारे में जिक्र किया गया था कि कोई पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी होने वाली है जिसमें 24 घंटे में प्रोसेस होगा, 24 घंटे में रिफंड होगा, क्या वाकई इस तरफ कदम बढ़ रहे हैं? तो जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा था कि आयकर विभाग जो है इस पूरे सिस्टम को तैयार कर रहा है, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कैबिनेट ने इस प्रपोजल को मंजूरी दी है अभी हाल ही में कुछ समय पहले, तो इस पर काम शुरू हो गया है। तो इस पूरे टेक्निक का ये है कि हम करदाता को पूरी की पूरी सुविधा दें, हम वो अगर आज रिटर्न फाइल करता है और अगर उसका रिफंड बन रहा है तो हम क्यों ना उसे जल्दी से प्रोसेस करके उसका रिफंड उसको पहुँचा दें, हम क्यों उसे महीने रखें। हालांकि प्रोसेसिंग जो है आज भी काफ़ी तेज़ हुई है, क्योंकि अगर आप याद करें पिछले सालों में जब अगर आपका रिफंड जो है 8-8 महीने 2-2 साल कई बार लटक जाता था मिस्टर गर्ग, हाँ, लगता था भूल जाओ, वो होता था आपने फाइल कर दिया आप चला गया, अब तो आएगा जब आएगा। लेकिन पिछले सालों में अगर बैंगलोर में जो CP सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बनाया है उन्होंने, उसने प्रोसेसिंग बहुत तेज़ की है, और ये इस सरकार में खास तौर पे इस चीज़ पे एम्फोसिस दिया गया कि रिफंड जो है रोके ना जाए, उसे तुरंत निकाला जाए। तो रिकॉर्ड रिफंड्स इशू किए गए पिछले साल भी और इस साल भी अगर आपने देखा तो। लेकिन हालांकि रिफंड देने में अभी भी 10 दिन 15 दिन 1 महीना लग जाता है आते आते, अब ये है कि सिस्टम को इस तरह का बनाया जाए कि आप एक दिन में वो रिफंड प्रोसेस करके आपको आपके बैंक खाते में पैसा आ जाए जी। तो इसकी तरफ काम इस पर शुरू हो चुका है, 2 साल में कह रहे थे कि 2 साल में ये तैयार हो जाएगा जी। ग्रेच्युटी सीमा की अगर बात की जाए तो 10 लाख से 30 लाख कर दी गई है, इसका किसको फायदा होगा, कितना फायदा होगा और किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए सोनिया, अभी तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी मिलती थी वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट थी, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो लिमिट थी वो 10 लाख की थी। जब 7th पे कमीशन आया था तो लोगों ने कहा था कि 10 लाख की ग्रेच्युटी लिमिट तो बहुत कम है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में जनरली ग्रेच्युटी ज़्यादा बन रही थी। तो सरकार ने 2 में से 1 बात को मान लिया, लोगों ने कहा था 2016 से इसका बेनिफिट दे दीजिए, सरकार ने वो बेनिफिट नहीं दिया। हाँ, 29 मार्च 2018 को जब ये बिल पास हुआ लोकसभा में, तो 29 मार्च 2018 के बाद में अगर आपको ग्रेच्युटी मिलती है वो 10 लाख से बढ़ाकर आपको 20 लाख करती है। लेकिन कन्फ्यूजन क्या है लोगों को, 29 मार्च 2018 ऐसी कट ऑफ डेट है कि अगर 29 मार्च से पहले रिटायर हुए तो 10 लाख, और 29 मार्च के बाद आपको पैसा मिलता है ग्रेच्युटी का तो 20 लाख रुपये। तो
यहाँ तो पेच फंसा हुआ है। चलिए, लेकिन टैक्स टेररिज्म की अगर बात करें तो ये कहा जा रहा था कि जब स्क्रूटनी अगर होगी तो आईटी के दफ्तर नहीं जाना पड़े, और कौन आपकी स्क्रूटनी कर रहा है, किसकी हो रही है, उनमें कोई इंटरफेस ना रहे, एक दूसरे को जाने नहीं, क्या ये वाकई में हो पाएगा आगे, और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और एक भरोसा बढ़ेगा? सुनिए, अगर आपने कहानियाँ सुनी हो आयकर विभाग की और करदाताओं की, और गर्ग साहब इस पर ज़्यादा बात कर सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग होगी तो बताइएगा जरूर कि आपको रिफंड लेना है या अगर आपको गलती से एक नोटिस आ गया तो आपको अपने एओ के पास जाना पड़ता था, और कई बार करदाता जो है और ख़ास तौर पर बिजनेस वाले, उनका ये है कि भाई होली दिवाली वो जा रहे हैं, मिठाई लेकर जा रहे हैं, तो इस पूरी जो प्रक्रिया है, इस पूरा जो ये कल्चर था, इसको ख़त्म करने के लिए कि आप एज अ टैक्स पेयर, एक करदाता के बतौर, आपको पता भी ना चले कि आपका रिटर्न या आपका असेसमेंट कौन कर रहा है, वो एक फेसलेस पूरा प्रोसेसिंग, उसकी तरफ ये एक कदम उठाया जा रहा है कि आप अगर दिल्ली में बैठे हैं तो हो सकता है कि आपका जो असेसिंग ऑफिसर है वो चेन्नई में बैठा हो, और आपसे वो ऑनलाइन सवाल करेगा, आपको जो क्वेरी, अगर आपके रिटर्न से वो कन्विंस नहीं है और आपका वो असेसमेंट करने के बाद उसको लगता है कि कुछ पॉइंट्स पे वो डिसएग्री करता है आपसे, तो वो आपको ऑनलाइन क्वेरी भेजेगा, आपको SMS आ जाएगा कि आपके पास क्वेरी आई है, आप उसका जवाब दीजिए। आप उसे सैटिस्फाई करते हैं तो ठीक है, अगर आपको सैटिस्फाई नहीं कर पाते हैं उसको, तो वो ऑर्डर इशू करने से पहले अपने एक सीनियर, एक पैनल बनेगा सीनियर अफसरों का, वो भी उसने जो ऑर्डर पास किया है वो देखेंगे, उसके बाद वो आपको ऑर्डर इशू करेगा। तो एक सीमलेस सिस्टम बनाने की कोशिश है कि जहाँ पे करदाता जो खुद आकर के डिक्लेयर कर रहा है, कर दे रहा है, उसको ये सुविधा दी जाए कि ये जो ऑफिशियल मतलब इंटरेक्शन होता था इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, उसको ख़त्म करके उसको सिस्टम ड्रिवन कर दिया जाए, ताकि ये जो भ्रष्टाचार की बात थी इस तरह की, वो चीज़ ख़त्म हो जाए, ये कल्चर ही ख़त्म हो जाए, और इसको पूरे एक साइंटिफिक तौर पे कि जो आ रहा है उसको आप सैटिस्फाई कीजिए, और वो आपसे अगर नहीं सैटिस्फाइड है उसकी भी वेटिंग हो रही है। पर इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा दीपिका, ये बड़ी दूर की कौड़ी लगती है। उसका रीज़न ये है कि जो इनकम टैक्स पे कुछ ऐसे नियम हैं, जैसे धारा 131 है, 131 में वहाँ AO को पावर है, वो आपको बुला सकता है। अब इसको कहने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी परी कथा सा लगता है कि कोई इंटरफेस नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, पर अगर हम धरातल पर देखते हैं प्रैक्टिकली, तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, और डर ये लगता है इससे कि लिटिगेशन ना बढ़ जाए कहीं, क्योंकि जो चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कई बार आप ऑनलाइन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है उसको ऑप्शन भी आगे मिलेगा, उसका एक पिटफॉल लोग बताते हैं, ये एक दरअसल एक एक्सपर्ट कमिटी बनाया था CBDT ने, ये उसकी रिकमेंडेशन थी, उसका ये पिटफॉल उन्होंने माना, इसीलिए ये कहा गया कि AO जो है वो सीधा ही वो कन्विंस नहीं है, उसने ऑर्डर इशू कर दिया, ऐसा नहीं होगा, सीनियर अफसर उसको देखें, उसके बाद ही वो ऑर्डर इशू कर पाए। तो इसका भी कि अगर आप पर्सनली जाकर के AO को कन्विंस कर सकते हैं या उसे बता सकते हैं कि भाई ये है और ये नहीं है, आप इसको इस तरह से मत लीजिए, उसके लिए कुछ प्रोविजन रखने की बात की जा रही है। अब अल्टीमेटली ये किस रूप में निकल के आता है ये पूरा सिस्टम, मतलब अभी तो देखना होगा, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। अब तो ईमेल पे नोटिस आ जाते हैं, वो पहले किसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। नहीं, पर जैसे दीपिका ने बताया कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं और बड़े पॉजिटिव चेंज आए हैं, कम से कम इच्छा शक्ति तो नजर आ रही है कि मतलब डिपार्टमेंट वाकई में ये करना चाहता है, वो डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत काम किया जा रहा है, बहुत पहल की जा रही है इस लेवल पे कि हम करें, एफिशिएंसी लाएं इस चीज़ में। एक दो पॉइंट्स और इनकम टैक्स के बच चुके हैं, वो हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पर डिस्क्लोजर, ये एक नई चीज़ है, बहुत बहुत नई चीज़ है। आपने बड़ा फेमस केस सुना होगा वीरभद्र सिंह जी का जी, कि उन्होंने 6 करोड़ की इनकम दिखाई थी, और ये लोगों की शिकायत भी थी कि बहुत सारे पॉलिटिशियन एग्रीकल्चर इनकम दिखा देते हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो सरकार ने, जैसे दीपशिका ने बताया कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहे हैं, कि ट्रांसपेरेंट इतना हो जाइए कि कंप्यूटर से आप अपने आप ही मैच कर जाएं और आपको इंटरफेस की जरूरत ही ना पड़े। इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो लोग एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए ये शायद मार पड़ेगी। अब ये कह दिया सरकार ने कि आपको लैंड होल्डिंग की डिटेल देनी है,
वो एरिया कितना आपके पास है, उसकी इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या है और उसमें क्या फसल होती है। और देखिए लैंड रिकॉर्ड भी डिजिटलाइज हो रहे हैं अब, और उससे पता चल जाएगा कि उसमें वास्तव में बाजरा हुआ था, गेहूं हुआ था या मक्का हुआ था या सेब हुए थे, तो आप पकड़े जाएंगे। इसलिए ध्यान से आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। बिल्डर्स के लिए कोई रिलीफ है इस पर? बड़ा रिलीफ दिया बिल्डर्स को, डायरेक्ट रिलीफ तो एक ही दिया। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर किसी बिल्डर, जैसे इन्वेंट्री हम देखते हैं दिल्ली NCR में या बॉम्बे में, बहुत सारी इन्वेंट्री खाली पड़ी है, तो ये नियम आया था कि अगर आपके पास इन्वेंट्री खाली है तो उस पर भी नोशनल रेंट बिल्डर को देना पड़ रहा था। वो कहते साहब वैसे मरे पड़े हैं हम, तो आप इसमें रेंट और मांग रहे हो हमसे। तो सरकार ने एक चेंज कर दिया सेक्शन 24 में कि अगर आपकी, जब आपने कंप्लीशन लिया है जिस साल में, वहाँ के 2 साल तक आप या तो उसको बेच दीजिए नहीं तो हम आपसे रेंट लेंगे। तो 2 साल का टाइम आपको दे दिया। दूसरा, जैसे कैपिटल गेन और नोशनल रेंट में 1 से 2 मकान किए हैं, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा उससे। आखिरी सवाल आप दोनों से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले दीपशिका आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाएं खासतौर पे, मतलब मैं अपनी बात कर लेती हूँ, नहीं तो जर्नलाइज नहीं करना चाहती, कि जब टैक्स भरना होता है तब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हो, तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या ये सब जो बदलाव हुए हैं उसको देखकर क्या कुछ सीख मिलेगी और कुछ और सजग होंगे लोग? एक्चुअली सजग होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं सोनिया, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कल्चर है वो हमारे यहाँ सब कुछ टैक्स से जुड़ गया है, जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक इंडिविजुअल के बतौर आपको करनी चाहिए कि आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट क्या है, और आप रिटायरमेंट के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं अपनी। तो आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपके जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स पे या जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं, इस पूरे फ्रेमवर्क को उनको एड्रेस करना चाहिए। हाँ, उसको एड्रेस करते हुए जो आपको टैक्स में सुविधा मिल रही है, आप उसमें आप देख लीजिए कि वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ फिट इन करता है, क्या मेरा इसमें फिट इन करता है या नहीं करता है। तो इस पूरी चीज़ को मैरी करके ही लोगों को अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, नॉट कि मुझे आज टैक्स बचाना है तो चलो मैं ले लेता हूँ, अभी 31 मार्च आने वाला है, जो अधिकांशतर लोग करते हैं कि 31 मार्च से पहले जाके कर दिया, उस तरह का ना करते हुए कि पहले से प्लान करें। जुलाई में नया बजट आएगा, तो क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसे सिचुएशन देखते हैं? मुझे लगता है कि अब जो बदलाव होंगे ना वो टेक्निकल ज़्यादा होंगे। हाँ। जो कोर्ट के जुडिशियल प्रेसिडेंसीज आए हैं, जैसे एंजल टैक्स के ऊपर क्या हुआ कि आपने 56(2) में तो दे दिया नोटिफिकेशन के द्वारा DIPP में, लेकिन इनकम टैक्स ATIAC में आप चेंज नहीं कर पाए क्योंकि वो आपके परव्यू में नहीं आता था। तो ऐसा लगता है कि कुछ टेक्निकल चेंजेज ज़्यादा आएंगे। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, जैसे मैंने बताया ना, अब फोर्स इन्वेस्टमेंट की तरफ सरकार बढ़ रही है, क्योंकि आपको 5 लाख से डाउन आना है और आपको 0 टैक्स करना है तो आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये सरकार ने एक तरह से महिलाओं को कह दिया कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, टैक्स भी बचाइए और इंटरेस्ट भी कमाइए। जी चलिए, आप दोनों स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। तो जो इनकम टैक्स में जो बदलाव हुए हैं उनको इस चर्चा के जरिए हमने सजग और सरल बनाने की कोशिश की है आपके लिए। आगे भी ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे, आप देखते रहिए राज्यसभा TV।